इसलिए यहाँ पर साइड नंबर 3 पर पहाड़ बनना शुरू हो गया लकड़ी का, बांस का पहाड़, ये देखिए। और ये मेरे मिस्त्री जो है अभी फंदा बांधेंगे, देखिए मुर्रा लगाने का तरीका भी सीख लीजिए आप लोग। दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ये लग गया फंदा। अभी एक फंदा और मारेंगे, ये अपने हिसाब से घटाएंगे बढ़ाएंगे। ये देखिए हो गया काम। अभी ये पाया जितने कच्चे भी कराना पड़ेगा, जिससे ये बंदे हुए कि लाइफ में फ्यूचर में उसके ऊपर अगर ले जाओ तो इसको फोड़वा दो, फिर उसके ऊपर सरिया का जोड़ लगवा दो, फिर ऊपर ही चला जाएगा। और ये जो सामने है ये मेरी साइड नंबर 3, ये सामने से 30 फुट चौड़ा था और 150 फुट गहरा था, लंबान 150, चौड़ान 30 फुट, 150 × 30। ये देखिए ये भी डिजाइन बनेगी ना इसे, ये भी इधर ऐसे जाएगी, फिर बीम पड़ेगी इसके ऊपर लटक बीम, यहाँ पर टिकेगी ये पूरी मामटी है। मामटी के बाद जो है ये अपना लिफ्ट का एरिया है, साथ ही साथ लिफ्ट ले गए ना तो इसकी मजबूती ज़्यादा है। और चलते अभी मैं आपको बाद में लिफ्ट का दिखा रहा हूँ, लाभ मेरे बाजू में जो साइट है वहाँ पर बाद में लिफ्ट की एरिया जो बना है, स्लेब कटवा कर फिर उन्होंने गलवाया, तो इतनी विशेष मजबूती नहीं रहती है ना, तो इसमें कोई फ़ायदा थोड़ी है बाद में पैसे लगवाओ, जब भी बने साथ ही साथ बनवा दो, ठेकेदार का भी फ़ायदा और मकान मालिक का भी फ़ायदा है, साथ में साथ हो जाएगा। ये देखिए ये दिख रहा है ना आप लोग को, ये लिफ्ट, ये लिफ्ट का ही एरिया है जहाँ संदली वगैरह रखा हुआ, इसे दूर से दिखाता हूँ। ये बाद में हुआ इसका काम। चलते हैं अगली बार अगली नई वीडियो मिलते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो आप लोग, मैं बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा आपको। ये मामटी की स्लेब पड़ चुकी थी, कभी नहीं अभी शटरिंग वाला आया नहीं, खुलवाना है। तकरीबन बड़ी स्लेब है तो कम से कम खुलना चाहिए स्लेब 22 दिन 20 दिन के बाद, और छोटी स्लेब है तो 10 से 15 दिन में खुलवा दो। अभी साइड में भी पार ये लाइन वगैरह गई है पूरी यहाँ से वहाँ तक। अभी इसमें जो है यहाँ भी पहाड़ बनेगा ना, यूपी में उत्तर प्रदेश में कहीं भी काम हो कॉन्ट्रैक्ट करो, मैसेज करो, जहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे वहाँ तक काम करेंगे। हाँ पर ये सोचना हर एरिया का रेट अलग अलग है, काम का पैसे का रेट अलग अलग है, ये ना समझा कि बहराइच में 200 का रेट चल रहा है, 150 का चल रहा है तो अब चले जाएँ वहाँ फैजाबाद प्रयागराज तो वहाँ इसी रेट में। हर जगह की महंगाई और सस्ताई अलग अलग है ना, तो पैसा उसी हिसाब से काम होता है यहाँ पर। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में स्लेब पढ़ने के बाद।